अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आम जन को प्रोटोकॉल के हिसाब से योग का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। आयुष विभाग के साथ साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं जिला पतंजलि योग समिति के योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त संजय जून की उपस्थिति में स्थानीय जाट कॉलेज के मैदान में जिला स्तरीय योग समारोह की तैयारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। ये शिविर 15 जून तक प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। कैथल से जाट टीवी न्यूज के लिए नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। सर, योग का जब से स्टार्टिंग हमने किया है तो बिल्कुल अमेजिंग फील हो रहा है। गाँव में मैं पुंडरी से हूँ, बबीता अहलुवालिया नाम है मेरा, और मैं महिला पतंजलि योग समिति की तहसील प्रभारी हूँ। और सर, गांव में पहले जैसे लेडीज़ गली में बैठी रहती थी या सब कुछ है, तो एनवायरनमेंट टोटली चेंज हो गया है। सभी में खुशहाली है, सभी जो हैं लेडीज़ को फ़र्क लग रहा है, बीमारियों से छुटकारा हो रहा है, घर में एक शांति। जैसे लेडीज़ स्ट्रेस में रहती थी, लेडीज़ अगर स्ट्रेस में है तो बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेडीज़ अगर बीमार हैं तो घर का माहौल ही थोड़ा ख़राब हो जाता है। सर, गाँव का माहौल जो है वो टोटली चेंज हो रहा है और सभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सभी बहुत उत्साह से इसमें भाग लेते हैं। और जब भी कैथल बुलाया जाता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है कैथल, तो सभी आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। देखिए, योग हमारी पुरातन संस्कृति है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग योग करते थे, लेकिन ये बीच में थोड़ा सा विलुप्त इसलिए हो गया था कि हम समझ रहे थे कि ये तो केवल बाबाओं का काम है, जो ऋषियों का काम है, जो लोग गुफाओं में रहते हैं उनका कार्य है। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने पूरे विश्व को जितला दिया योग क्रांति द्वारा कि ये नहीं, ये योग ऋषियों के लिए नहीं, ये बाबाओं के लिए नहीं, ये गुफाओं के लिए नहीं, ये हर व्यक्ति के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। तो पुनः हम अपनी पुरानी संस्कृति के ऊपर लौट रहे हैं।